महाराज जी 5,000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारो है जाएगो। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5,00,000 रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई उंडे नहीं। महाराज की दिखाई शरारते दिखाई, ये देखिए दोनों छोड़ दिया। तुम दोनों का ग्रह बहुत भारी चल रहा है बिटिया, कोनो भी पराए मर्द को तुम लोग अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है अगले 1 महीने तक। और अगर गलती से भी कोनो पराए मर्द तुम लोग का चेहरा देख लेगा ना, तुमका नुकसान तुम्हारे अपने पति को उठाना पड़ेगा। भाभी जी कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। भरभूति जी हाँ, हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमारा चेहरा देखने का जिद बिल्कुल ना ही कीजिए। हाँ आप बिल्कुल पराए जैसी बात कर रही हैं। हाँ तो आप पराए तो हैं। आए भाभी जी के आने का टाइम हो गया, लेकिन भाभी जी अभी तक नहीं आई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आए भाभी जी हेलमेट में, भाभी जी का हेलमेट तो दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे स्कूटी का नहीं दिखा रही है बे। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी सर प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। म्याऊ 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 भाभी जी। क्या आप अपनी लत छोड़ना चाहेंगे? हाँ छोड़ना चाहूंगा, सकता ना जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये घुटन ये तड़प बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बोलिए क्या करना है। कुछ कीजिए, हमें इस लत से छुटकारा दिलवाइए यार, कुछ कीजिए हमसे, कुछ कीजिए। भैया अपनी लत आप बता क्यों नहीं देते मुझे? अरे नहीं बता सकते भाई। अगर आप मुझे अपनी लत नहीं बताएंगे तब भी मैं आपकी लत छुड़वाने की ताकत रखता हूँ भैया। तिवारी जी चेहरा बड़ा चमचमा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 1000 वाट का बल्ब जला दिया चेहरे पे आपके। वो दिख गई। क्या दिख गई? वो तितली तितली। क्या बात है, कुछ तो आप भी बंद नजर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या तिवारी जी, मैंने भी ना अपनी लत पूरी कर ली। अच्छा मतलब टूटता तारा जो है दिन में ही दिख गया। दिन में ही टूट गया तारा, दिन में ही देख लिया। बधाई हो। थैंक यू तिवारी जी, ऐसा लग रहा है जैसे सीने से बहुत भारी बोझ जो है वो उतर गया है। बिल्कुल भभूति जी, हमें भी कुछ ऐसा सा ही महसूस हो रहा है। हमें लगता है कि जो बड़े बुजुर्ग जो है कुछ गलत कह गए थे कि लत बुरी चीज है। अरे हाँ जरूरी थोड़ी कि जो कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा सही कहा। भाई लत भी एक अलग तरह का मजा देती है, लत का भी एक अलग मजा है। मैं तो कहता हूँ तिवारी जी ये लत कभी ना छूटे, जिंदगी भर ना छूटे। यस आई एग्री विथ यू। बोला लस्सी भंडार की मजेदार जायकेदार लस्सी, अभी लीजिए टीका लस्सी दो। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोला लस्सी भंडार की मजेदार लस्सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ भैया। बोला लस्सी भंडार की मजेदार जायकेदार लस्सी, टी कमल खान टिल्लू की पहचानी ये दुकान। अरे लौंडो।
जल्दी से हमें एक गिलास लस्सी दे दो। अभी लो, अभी लो। ठीक है, इंतजार रहो रहो हमसे। दरोगा जी, बात ये है गई कि हमारी जो लस्सी है ना, काफी महंगी हो गई है गई, तो आपको पीने के लिए बिल्कुल ना मिलेगी। तो लौंडा, हमें शुरू से पसंद ना आए, ऐसे टाइम पे ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखो, हमारे पास अब कछु देने को ना है। इतने तक तो हम सारे ज्यादा से ज्यादा का ले आई, पता क्या? अपनी बीबी के चुपके से गहना तक ले आई, अब दे दो। दरोगा जी, ऐसी बात है तो फिर तुम्हें लस्सी जरूर मिलेगी। करवे, पिला दे लस्सी जरा। ला दियो। घर का बना रहो। ये लो दरोगा जी। ये अच्छा ले। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे पकड़ा तो दे। है के ज्यादा हो रही है। ले ले, दे 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 दे। लौंडो, मतलब हाथ में आते ही ना ठंडक सी मिल रही है। जासली है, जासली है, मजा लियो। रुकिए, आप ये लस्सी नहीं पी सकते। तू सारे कौन, तू कौन हो तो ऐसी हरकतें करने वालों, कौन है तू? सर, मैं कानपुर हेल्थ डिपार्टमेंट में फूड इंस्पेक्टर हूँ। क्यों? और मेरा नाम है भोला प्रसाद पांडे। मुझे खबर मिली है कि ये लोग अपने लस्सी में नस्ली दवाई मिलाकर बेच रहे हैं, और जो भी इस लस्सी को पी रहा है वो आदि हो रहा है इस लस्सी का। नहीं भी तक टाइम देखिए। अरे भाई, तैयार हो रही होगी, आ जाएगी भी पूजा पाठ करने। आई लाइक इट। धाड़ मार मार कर उड़ी थी अम्मा को। नाम लो धाड़ है, नाम लो धाड़। हम डर गए पहले, हमें अजीब लगो। पर ऐसा काय रो रही हो? तो घड़ा एक ही बात को ये कहती है, अब हमारी अम्मा, हमारी सासू अम्मा हमें प्यार ना करती, जो करती है वो सब दिखावा है। हाय, ऐसा काय बोल रही है? अपुआ हमारी बहू बहुत दिन भर बच्चों की सेवा में, काम धंधे में, मतलब दिन भर काम करती है। तो बाकी उम्र 36 की है, लेकिन 40 की लगने लगी। हमारे आजू बाजू सारे लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। एक बाऊजी है जो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और एक बादल जो हमें कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगी? कौन दोनों? चाची आप। ये दूसरा कौन है? आप कौन बोल रहे हैं? ये आवाज नीलांबरी देवी की तो नहीं लग रही। आप कौन? मैं वो हेलो, कराने के बाद ये अपने आप को औरत समझने लगा है। तभी तो वर सावित्री की पूजा करने यहाँ आया है। ए भगवान, ये कैसे हो गया? धागा कैसे टूट गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। इसका मतलब ये भी है कि आपकी पत्नी के सर पे खतरा मंडरा रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? सुनो, ये मुंह फेरने का मतलब हो सकता है कि मेरा शक सही है। भगवान की कसम खाओ। अपने बल के अहंकार में डूबा कंस बनाता है कान्हा के वध की नीति। अमावस्या, जीवन पर मृत्यु की काली राह, वध होगा तुम्हारे पुत्र का। तू तो केवल दिन गिन रहा है कंस, किंतु मैं एक एक क्षण गिन रहा हूं। कंस, मैं आ रहा हूं तेरे अंकार करने। आप कौन बोल रहे हैं? ये आवाज नीलांबरी देवी की तो नहीं लग रही। आप कौन? मैं वो हेलो